अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं चना दाल चिकन, जो कि बनाने में बहुत ही इजी और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इसे बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच तेल को गरम कर लेंगे। इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 5 से 6 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। इनको हल्का सा तड़का लेंगे। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन भून लेना है अच्छे तरीके से। तो देखिए, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें अच्छी तरीके से भूनना है इसका कच्चापन ख़त्म होने तक। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को दबाना ज़रूरी है, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी वो आपको दिख पाएगी। अब इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। 1 बड़े साइज़ इसका टमाटर छोटा छोटा सा चॉप कर लें या बारीक सा चॉप करके डाल दें। और टमाटर को अच्छे से देखिए मैंने घुला लिया है, भून लिया है। जब टमाटर अच्छे से घुल जाए तब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। या 1/2 kg मैंने चिकन लिया है। चिकन को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। जो लाल मिर्ची मैंने डाली है वो कश्मीरी मिर्ची नहीं है, वो तेज़ वाली मिर्ची है। अब इन मसालों को हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। 2-3 मिनट इसको भून लेना है हमें। अब मसाले भुनने के बाद 1/2 ग्लास इसमें पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ 1/2 ग्लास ही डालेंगे। इसको मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पे कवर करके इसको हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि चिकन हमारी कुक हो जाए। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और चिकन हमारी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। देखिए टूट गई है, अच्छी तरीके से चिकन गल चुकी है। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। ये चने की दाल ली है मैंने, 1/2 किलो दाल है। इसको मैंने भिगा कर रखा था। भिगाने के बाद इसमें मैंने कुकर में इसको सीटी ले ली है नमक और हल्दी डाल के। देखिए दाल हमारी गली हुई है पूरी, मगर इसमें अक्खे अक्खे दाने भी है, तो इसी तरीके की दाल हमें चाहिए। अब दाल डालने के बाद हम इसको एकदम हल्के हाथों से चलाएंगे। एकदम तेज़ हमें चम्मच को नहीं चलाना है, वरना दाल हमारी पूरी जो है गल जाएगी। हमें दाने थोड़े अक्खे अक्खे चाहिए। तो अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इनको भी हम हल्के हाथों से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसमें फुल फ्लेम पर एक उबाल आने देना है हमें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये दाल बनकर तैयार होती है। आप एक बार इसको बनाओगे तो बार बार इसे ही बनाओगे, और जिसे भी आप इसको बनाकर खिलाओगे उंगलियां चाटते रह जाएगा, वो इतनी टेस्टी बनती है ये दाल। तो देखिए उबाल आ चुका है इसमें। अब कवर करके लो फ्लेम पर सिर्फ हम इसको 3-4 मिनट के लिए ही पकाएंगे, ताकि दाल और चिकन सारे फ्लेवर्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए 3-4 मिनट मैंने इसको कवर करके पकाया था, तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी हमारी दाल बनी है। खुशबुएं भी बहुत लजीज आ रही है इसमें से। देख सकते हैं आप, दाल हमारी अभी भी अक्खी अक्खी है। देखिए देखिए अक्खे अक्खे दाने आपको दिख रहे होंगे, तो इसी तरीके से हमें चाहिए। गली हुई भी होनी चाहिए और अक्खे अक्खे भी होनी चाहिए। अगर आपको इससे भी ज़्यादा मतलब अक्खी अक्खी दाल पसंद है तो आप सिर्फ 2 ही सीटी लीजिएगा कुकर में। तो दाल को मैंने निकाल लिया है। अब इस पर कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे गार्निशिंग के लिए और चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो मज़ेदार सी हमारी चिकन चना दाल बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि रोज़ आप खाने में क्या बनाएं, तो आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, बच्चों को भी और बड़ों को भी सबको पसंद आने वाली ये रेसिपी है। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं आपसे मिलती रहूँगी इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।